बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिश, जो कि है अफगानी पराठा रोल। जैसा कि आजकल सब लोग बाहर का खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, फ़ास्ट फूड बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो ये घर में बहुत ईजीली बनने वाला पराठा रोल है। इसमें सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं। सॉसेजेस भी हम अमूमन अपने नाश्ते में यूज़ करते हैं, इसलिए ये आसानी से घर में बन सकता है। पराठे भी इजीली घर में बनाए जा सकते हैं। इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह अपने YouTube चैनल पे जल्दी शेयर करूंगी। आइए अब इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इसमें होममेड पराठे यूज़ करेंगे, वो मैंने 4 अदद लिए हैं। इसमें हम 4 अदद सॉसेजेस यूज़ करेंगे, ये कैनन्स के हम लेंगे। ये ज़्यादा फ्लेवरफुल और ज़्यादा जूसी होते हैं। और इसमें हम 2 अदद बड़े आलू लेकर उनके फ्राइज़ बना लेंगे। इसमें हम 2 अदद खीरे लेकर उनको लंबाई में काट लेंगे। और इसमें 3 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके हम इसको भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। इसी तरह हम प्याज कट करके इसमें 3 टेबलस्पून सिरका और 1 टेबलस्पून पानी और थोड़ा सा नमक ऐड करके हम इसमें भिगो देंगे आधे घंटे के लिए। चिली गार्लिक सॉस यूज़ करेंगे, मायनीज यूज़ करेंगे और बटर पेपर यूज़ करेंगे। अब इसकी मेकिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम इसमें बटर पेपर रखेंगे, उसके बाद उसके ऊपर पराठा रखेंगे, फिर हम इसके ऊपर सॉसेस रख लेंगे। हम इसमें थोड़े से खीरे ऐड करेंगे, थोड़े से प्याज, ज़्यादा या कम वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर हम मायनीज डालेंगे, फ्राइज हर किसी को पसंद होते हैं, ये मेन चीज़ है इसमें, ये आप जितने मर्जी डाल सकते हैं। और इसमें हम केचप यूज करेंगे। फिर अब हम इसको रोल कर लेते हैं। और ये हमारा होममेड पराठा रोल बिल्कुल रेडी हो चुका है। आपने देखा व्यूवर्स, ये डिश कितनी इजीली बनके रेडी हुई है। अगर आपने इसको और भी इजी करना है तो आप होममेड पराठों की जगह आप फ्रोज़न पराठे भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंपनी के। ये बच्चे भी, अगर बच्चों को ये चीज़ें सारी दे दी जाएँ तो बच्चे भी ईजिली ये डिश बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।